हे गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। इट्स निहारिका हियर विद यू टुडे। सो बहुत दिन हो गए मैंने कोई व्लॉग वगैरह किया नहीं है एंड कुछ भी चैनल पर अपलोड नहीं किया, तो आज मैं आप लोगों से एक पॉइंटलेस काइंड ऑफ व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। सो आज कल से मेरी ओरल स्टार्ट हो गई थी, ओरल एग्ज़ाम स्कूल की। तो आज मेरा सेकेंड डे ओरल एग्ज़ाम का, और मेरा EVS 2 का ओरल था यानी हिस्ट्री का, एंड आज मैथ्स का ओरल है। तो 1 बजे चालू होगी ओरल एग्ज़ाम। अभी ओरल 11:34, तो मैं 12 से 1 बजे तक स्टडी करूँगी। तो 12 बजे चालू होता है हमारा नेचुरली तो क्लास, बट ओरल से तो एग्ज़ाम 9 नहीं करूँ तो लेट 1 घंटा। सो यस एंड या आई होप आपको अच्छा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, एंड अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड शेयर भी कर देना अगर मन हो तो, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको और ऐसे ब्लॉग चाहिए या नहीं चाहिए। एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड या बेल आइकन भी दबा देना। तो यस एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो गई मैं आप लोगों का जो स्पेशल से दिखाने वाली हूँ, तो आज मैं आपको आउटफिट दिखाने वाली हूँ जो मैंने क्या पहना है। तो ये मेरा आउटफिट है, आई होप आपको दिख रहा होगा कि मैं धूप में थोड़ी हूँ, मुझे ही नहीं दिख रहा है कि मैं क्या दिखा रही हूँ। दिख रहा होगा तो ठीक है, बना मैंने ये पिंक पैंट पहनी है एंड ये मेरा फेवरेट टॉप है, और टी शर्ट तो नहीं कह सकते, टॉप है मेरा ये फेवरेट था। एंड ये साथ मैंने इयरिंग्स भी चेंज किए, क्योंकि वो जो इयरिंग्स है उसमें मेरा वो इयरिंग का स्क्रू का कुछ हो गया, टेढ़ा हो गया वो स्क्रू, तो मैंने आज नई ईयरिंग पहनी है, पर्ल की ईयरिंग है, तो ये मुझे सूट कर रही है। सो यस एंड दिस द आउटफिट ऑफ द डे। मुझे दुकान पे भी जाना है, नाश्ता करना है भी मुझे, तो चलो जल्दी जल्दी मैं नाश्ता कर लेती हूँ एंड फिर स्टडी करने बैठ जाती हूँ। सो गाइज, मैंने बन क्रीम पाव खा लिया एंड मुझे स्टडी करने बैठना, 12 बज गए। माई नोटबुक टेक्स्ट बुक एंड लेट्स स्टडी। तो बाय बाय, मैं आप लोगों से अब अपना पेपर होने के बाद बोलती हूँ, आई मीन ओरल एग्ज़ाम होने के बाद। तो ओके, गुड इवनिंग गाइस, एंड मेरा इवनिंग का फेस कुछ ऐसा है। तो दोपहर को मैंने कहा था कि मेरी ओरल एग्ज़ाम है, लेकिन टीचर हमारी जो टीचर है मैथ्स की टीचर, उनका नेटवर्क इशू था आज, तो आज कैंसिल हो गई हमारी ओरल एग्ज़ाम। और फिर टीचर ने उसके बदले में एक नया लेसन सिखाया एंड उसका मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, और उस टाइम से मैं गुस्सा थी, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उसी टाइम पर, मुझे ढंग का नाश्ता भी नहीं मिला था, मैंने सिर्फ क्रीम पाव था ना वो खाया था, मैंने कुछ नहीं खाया था, और मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी एंड एक तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सो यस एंड मैंने इसीलिए लॉकिंग नहीं किया, क्योंकि मेरा मन नहीं किया, मैंने कोशिश की थी लेकिन तो कुछ खास हुआ नहीं है, और मैंने खाना भी कुछ ज़्यादा नहीं खाया था, वो जो दिया था वह राइस और राजमा और रागना बने थे आज, तो राजमा और राइस इतना ही दिया था, मैं तो आते तो मैंने फेंक ही दिया, क्योंकि बाल मिला मुझे उसमें से, बाल मिलने के बाद मैं तो नहीं खाऊँगी, बहुत ज़्यादा बड़ा था वो, और छोटे छोटे बाल चलते मतलब मीडियम लाइक चलते हैं, जो खाने के अंदर नहीं होते, जो ऊपर ऊपर गिरते हैं कभी कभार, तो वो चलते हैं लेकिन खाने के अंदर ही निकला वो नीचे से, तो नहीं मुझे नहीं खाना। तो अभी तक मैं फ्रेश नहीं हुई हूँ एंड अभी बच रहा है 6:20 होने, 6:30 होने को 10 मिनट बाकी है एंड सत्य है उसमें बिल्कुल सत्य है कि 10 मिनट बाकी है, एंड ये भी सत्य है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मतलब ये मेरा टाइम ही है खाना खाने का, मतलब कुछ भी इवनिंग स्नैक्स कह लो, एंड मैं ना थोड़ी कोशिश कर रही हूँ डाइटिंग वगैरह करने की, बिकॉज वैसे ही मुझे मज़ा आता है, और वैसे भी मुझे वक्त पर खाना तो मिलता नहीं है रोज़, तो डाइटिंग ही समझ में मेरी होती है, पर मैंने के बारे में मेरी डाइटिंग ही हो रही होती है 1 साल के बारे में नहीं। फ्रेश होने की बात मिलती है एंड सुबह से देखना, सुबह सुबह मेरा ड्रेस कितना अच्छा सुंदर आउटफिट ऑफ द डे का लग रहा था एंड देखती हूँ आउटफिट ऑफ द डे क्या हालत हो गई है नो, एंड मुझे बहुत ज़्यादा घंटाला आना, तो ठीक है हमें उठना तो पड़ेगा, क्योंकि मुझे भूख बहुत भूख से लगी है एंड मुझे आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है, तो रुकना थोड़ी देर में फ्रेश होकर आते हैं, मैं आप लोग को एक अपनी इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ जो मुझे बतानी है आप लोगों को, एंड अगर मुझे अभी पता चल गए मतलब दोपहर को, तो दोपहर को तो मैं बता नहीं पाई, तो भी बता नहीं सकती, तो फ्रेश होकर मैं ऐसे कह रहा हूँ कौन देखेगा फिर मेरा पूरा वीडियो, फिर मेरा वीडियो बर्बाद चला जाएगा, तो फ्रेश होकर आता
हे गाइस, सो मैंने जैसे आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं आप लोगों से फ्रेश होकर मिलती हूँ एंड कुछ बताना इंपॉर्टेंट था, लाइक मतलब आप लोगों के लिए एंड मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरे यूट्यूब के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि वो पूरे दुनिया के लिए, इवन आई कैन से इट पूरे वर्ल्ड आउट ऑफ वर्ल्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को पता ही है अभी कोविड केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लाइक मुंबई में बहुत 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 ज़्यादा बढ़ चुके हैं, लाइक तीन गुना बढ़ चुके हैं, आप ऐसा कह सकते हो तीन से चार गुना बढ़ चुके हैं मुंबई में केसेस कोविड की, एंड लॉकडाउन भी होने का चल रहा है, लाइक न्यूज़ कह रहे हैं कि सैटरडे संडे को वीकेंड टाइप फुल वीकेंड हो गया, यानी लॉकडाउन ही कह सकते हैं, दो दिन लॉकडाउन होगा फुल्ली। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ सेफ रहिए अपने घर पर, मतलब लोग सेफ रहिए, एंड यहाँ पे जहाँ पे मैं रह रही हूँ अभी जूम में, तो जूम में कहाँ रहती हूँ वो तो नहीं बता सकती मैं, तो यहाँ पे मैं करेंटली जूम में रह रही हूँ, तो करेंटली नहीं, तो जूम में ही रह रही हूँ। तो यहाँ पर आज अचानक से कुछ हो गया, पता नहीं, लाइक लॉकडाउन होने वाला सब लोग कह रहे थे, एंड हमारे आसपास की सारी दुकानें बंद हो गई, इवन मेरे पापा जहाँ काम करने जाते हैं मकोला, वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही माहौल चल रहा है। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, अगर लॉकडाउन हो भी जाए तो आप अपनी सेहत का ख्याल रखना, एंड दूसरों को कहना मास्क लगा कर ही घूमें, क्योंकि न्यूज़ में मैंने बहुत देखा है कि लोग मास्क लगा ही नहीं रहे, फिर किसी भी टाइप जगह हो, मुंबई हुआ, महाराष्ट्र हो, या कोई भी जगह हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र में केसेस कम होने के लिए आप लोग मास्क मुंबई महाराष्ट्र में पहनो, तो बाकी की जगह कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। आप लोग जहाँ पर भी हो, अभी जाते भी मेरा वीडियो देख रहे हो वहाँ पर हो, तो प्लीज़ मैं जो इंस्ट्रक्शन बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए, तो प्लीज़ आप अब मास्क का उपयोग कीजिए, एंड सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड यस, कोई कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो मास्क लेकर तो घूमते अपने, पता नहीं यहाँ पे लटकाए रखते हैं, घूमते लगाते नहीं है, एंड यस, सबसे इंपॉर्टेंट सोशल डिस्टेंसिंग है। तो अगर आपके यहाँ पे भी ऐसा कोई सिचुएशन चल रहा है, बहुत ज़्यादा कोविड केसेस बढ़ गए आपके आसपास के एरिया में, फिर आपकी की बिल्डिंग में, सोसाइटी में, तो सतर्क रहना है आप लोगों को, एंड सारे जो गवर्नमेंट ने हमें इंस्ट्रक्शन दिया है कोविड को, यू नो, थोड़ा कोविड को दूर रखने के लिए अपने से, तो वो सारे फॉलो कीजिए, एंड सैटरडे संडे को बाहर ना निकलिए, अगर एकदम कड़क लॉकडाउन है, यानी एकदम टाइट लॉकडाउन है, तो प्लीज़ बाहर मत निकलना, ज़्यादा ही ज़रूरी काम हो तो एकदम सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो किए बिना निकलना, सबसे पहले तो सैनिटाइजर अपने साथ लेकर ही जाना जहाँ पर भी आप चाहो वहाँ पर, एंड घर पर जो भी आप चीज़ें प्रोडक्ट्स लेकर आओ तो सबसे पहले तो सैनिटाइज कर लेना है, उसके बाद उसे वॉश करना है अच्छे से, तो आखिर वो तो प्लास्टिक में ही होता है जो भी मिलता है, ऊपर से वॉश कर लेना है, फिर थोड़ी देर के लिए, यू नो, आपको धूप में रखना है, अगर आप सुबह के टाइम पर जा रहे हो, अगर सुबह के टाइम जा रहे हो, रात के टाइम पर जा रहे हो, शाम के टाइम पर, तो आप लोग एक काम कर सकते हो कि आप लोग रात भर उन्हें किसी पॉलीथिन बैग में रख सकते हो, तो पॉलीथिन बैग क्योंकि प्लास्टिक होती है तो उसमें शायद थोड़े बहुत जंक में जाएंगे, एंड जैसे सुबह होती है तो आप लोग धूप के सामने रख देना, और सारे और जो बच्चे बच्चे जंक उन्हें मरने के लिए, एंड सैनिटाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड मास्क लगाना इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि मैं नहीं जीना चाहती हूँ लॉकडाउन वाली ज़िंदगी में, तो मैं इसलिए कह रही हूँ, एंड अगर आप लोग भी उन्हीं लोगों से हो जिनको लॉकडाउन ज़िंदगी में नहीं जीनी है, लाइक किसी को भी लॉकडाउन वाली ज़िंदगी नहीं जीनी, इसलिए कोई भी रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप लोग रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो लॉकडाउन जरूर ही होगा, क्योंकि आप रूल्स नहीं फॉलो करोगे तो केसेस बढ़ेंगे, केसेस बढ़ेगी तो लॉकडाउन होगा, लॉकडाउन होगा तो फिर कोविड कम तो होगा थोड़ा बहुत, फिर से बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, एंड पुणे में इतने सारे केसेस हो गए, लाइक प्लीज़, तो अगर आप पुणे से रहते हो तो अपना ध्यान रखना, एंड यस, मुझे आपको एक छोटा सा किस्सा भी बताना है कि मैं जहाँ मैं मेरे मौसी के पास गई थी, आपको मैंने अपना पैकिंग ब्लॉग दिखाया था, मैंने कहा था मैं ठाणा जा रही हूँ, तो वहाँ पर जिस दिन मैं निकलने वाली थी, मतलब जिस दिन मैं वापस आने वाली थी, मतलब ठाणा से मैं वापस बहुत ज़्यादा जल्दी आ गई, मतलब मैं सिर्फ 11 डेज ही वहाँ पर रही, एंड फिर मुझे वापस आना पड़ा, 11 डेज बड़ी मुश्किल से थी मैं, वरना तो मैं डायरेक्ट, मतलब मैं फ्राइडे को निकली अपने घर से, फ्राइडे को थर्सडे को महाशिवरात्रि थी, एंड फ्राइडे को मैं निकली, थर्सडे को हम सोचे थे चले जाते हैं वापस यहाँ पर आ जाते हैं मुंबई में, लेकिन फिर सोचा कि ठीक है एक दिन डिले कर देते, वैसे महाशिवरात्रि तो मम्मी का फास्ट वगैरह था, तो उसमें थोड़ी बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है, फिर को खाना भी उपवास भी छोड़ना था, तो इसीलिए मम्मी ने कहा कि ठीक है एक दिन थोड़ा डिले कर देते हैं, तो सुबह हम लोग ने खाना खाया तो बहुत ज़्यादा जल्दी खा लिया, तो जल्दी हम खा देंगे खाना, 3 या 2 बजे तक खा लेते, तो 12 बजे खा लिया हम लोगों ने खाना, तो फिर निकल गए वैसे ही 2 बजे तक हम लोग, तो यस, एंड जिस दिन हम लोग निकले उसी दिन हमें खबर आई कि मतलब हमारी बिल्डिंग एक, मतलब मेरी मौसी की बिल्डिंग एक ऐसी है और उसके सामने एक और बिल्डिंग है, तो सामने वाली बिल्डिंग के फ्लोर में नहीं जाती, लेकिन यहाँ सामने वाली बिल्डिंग के एक फ्लोर पर जो मेरे जो रिलेटिव्स हैं उनके फ्रेंड रहते थे, तो मेरे काका यानी मेरे रिलेटिव काका, तो उनके सामने वाली बिल्डिंग में उनके फ्रेंड रहते थे, जो उन्हें मतलब मेरे काका जानते थे उन्हें, तो फ्रेंड रहते थे, एंड ही इज़ डेड, लाइक कोरोना की वजह से उनकी डेड हो गई, लाइक बहुत कोविड सिचुएशन, जिस दिन हम लोग निकले उसी दिन ये हुआ, एंड टाइम तो मुझे नहीं पता एक्यूरेटली, बट यहाँ जिस दिन हम लोग निकले उसी दिन वो डेड हो गए कोविड की वजह से, बहुत ज़्यादा ओवर कोविड हो गया उन्हें, मरी गए वो, ही इज़ डेड। तो या आपको ये किस्सा सुनकर थोड़ा बहुत डर भी लगा होगा और थोड़ी बहुत अपनी सेहत की चिंता भी हो रही होगी, तो अगर चिंता है आप लोगों को तो प्लीज़ ये सारे रूल्स फॉलो कीजिए जो भी हमें गवर्नमेंट रिकमेंड कर रही है रूल्स के लिए, एंड गवर्नमेंट सुनिए, ताकि फिर लॉकडाउन भी ना हो और कोविड जल्दी से जल्दी चला जाए,
हमारे इंडिया से, और नॉट फॉर ओनली इंडिया, बाकी सारे देशों से भी चला जाए. तो यस, मुझे नहीं कहना था. एंड अगर आपके यहाँ आसपास कभी कोविड पेशेंट मिलता है तो और भी ज़्यादा सतर्क रहना आप लोग को. तो कोविड पेशेंट को डर कर ही, मतलब जिस दिन हम लोग निकले उसी दिन डेड हो गए वो. तो हमें उसकी खबर को 4-5 दिनों बाद मिली, लाइक हमें किसी ने फोन करके बोला हमें ऐसा ऐसा हुआ, तो 4-5 दिन बाद मिली हमें खबर. एंड फिर हमने कहा हर्ष हम लोग जल्दी निकल गए, अच्छा होना तो कोविड वहाँ पर और भी बढ़ जाता बिल्डिंग में. तो हर्ष हम लोग कहा जल्दी निकल गए. एंड तो नामो निशानी है वहाँ पर जाने का. तो कोविड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया. अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है तो थोड़ा बहुत सेफ्टी का अपना ध्यान रखना. ऐसा नहीं कि मैं ये सिर्फ अपने देश के लिए कह रही हूँ, लाइक सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, बाकी सारे देशों के लिए भी कह रही हूँ. एक्सपेक्ट चाइना, क्योंकि चाइना लोगों की वजह से ही हुआ है. एंड उसकी सज़ा मिल रही है. लाइक कहते हैं ना कि जो बुरा काम करता है उसके साथ बुरा होता है, मतलब कि कीमत उसे कभी ना कभी चुकानी पड़ती है. तो चाइना ने बुरा किया है, बैट को खबर. सब लोग कह तो रहे हैं कि बैट से हुआ है ये कोविड, बट आई डोंट नो श्योरली कि बैट को खाकर ये हुआ है. सो या तो चाइना वालों की गलती से इसमें मुझे इतना पता है. एंड चाइना वाले अपनी गलती की सजा भुगत रहे. तो लेकिन ये आँख से कहना बुरा सोचना अच्छा नहीं होता. लेकिन यस ओके, अगर आपको ऐसा लगता है कि चाइना से भी कोरोना चला जाए, या चला जाए चाइना से भी कोरोना, इवन बाकी सारे देशों से, अमेरिका, पेरिस, जहाँ पर भी कोरोना है वहाँ से जल्दी कोरोना चला जाए. एंड आप लोग सब सेफ रहो अपने, आप बिना मास्क के फिर से घूम पाओगे, मतलब आज़ादी होगी फुल ऑन. लॉकडाउन का तो नाम भी नहीं होगा, लाइक लॉकडाउन इस नाम की भी ये कोई चीज़ थी भूल ही चुके होंगे सब लोग. तो अगर आपको भी ऐसा माहौल चाहिए एंड कोविड से बाहर निकलना है तो सारे रूल्स जो गवर्नमेंट बता रही है वो फॉलो करो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ताकि आप भी सेफ रहें, आपके आसपास वाले भी सेफ रहें. एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आपका परिवार, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव सारे सेफ रहें. अगर आप सेफ हो तो आपका परिवार, रिलेटिव, आसपास के नेबरहुड सारे सेफ है. तो इस बात को जरूर ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ गई है. तो कल कुछ कम हुई थी केसेस, मैंने न्यूज़ में पढ़ा था, तो कल कम हुई थी. लेकिन यस आप लोग को फिर भी सेफ्टी रखनी है, आपको सेफ्टी यू नो प्रिकॉशंस लेने हैं आप लोगों को. तो प्रिकॉशन लेना बिल्कुल भी मत भूलना, इवन केसेस कम भी हो तो, क्योंकि केसेस यू नो एक चुटकी भर का खेल है, जो एक चुटकी में कम भी हो जाता है और एक चुटकी में बढ़ भी जा सकता है. तो इसीलिए सावधान रहना होगा, बस इतना ही मुझे कहना था. लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, बट या ये इम्पोर्टेंट बात थी तो मुझे ये कहनी ही थी आप लोगों से इस वीडियो में. एंड अभी तो मैंने जितने वीडियो शूट किए वो तो मैं अपलोड नहीं कर पाई, लेकिन यार ये मैं ज़रूर अपलोड करने वाली हूँ, बस इस बात की वजह से. सो यस, प्लीज़ 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 प्लीज, अगर आप लोगों को लॉकडाउन वाली ज़िंदगी में फिर से नहीं जीना है तो प्लीज़ प्रिकॉशंस लीजिए, अपना भी ध्यान रखिए, साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रखिए. एंड यस, अगर आप बीमार पड़े तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए. ऐसा मत सोचिए कि यार ये तो हमेशा होता है, मैं तो डॉक्टर के पास क्यों जाना, खर्चा क्यों करना. और डॉक्टर की दवाइयों से अगर आप ठीक हो रहे हो तो क्या बुराई है इसमें. तो प्लीज़ अगर आपको कोई बीमारी, मतलब अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है सिचुएशन में, तो आप डॉक्टर के पास जाना अवॉइड बिल्कुल भी मत करना, और मेडिसिन लेते रहना अगर आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम है तो. यस, थैंक यू. हे गाइस, तो कल मैं इस वीडियो को एंड नहीं कर पाई, लेकिन आज एंड कर रही हूँ. आई होप आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया, कल का पसंद आया होगा. तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना. एंड आई नो मैं ज़्यादा देर तक व्लॉगिंग नहीं कर पाई थी, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ पॉइंटलेस व्लॉग. तो ऑफकोर्स मैं ज़्यादा देर व्लॉगिंग कर पाई थी क्योंकि आई एम अ फोन एसिड, मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ फ़ोन पर, तो मैं इतना एक्टिव नहीं रह पाती रिकॉर्डिंग्स पर, यू नो. अभी मैं से एडिट कर रही थी तो आज दूसरा दिन है, तो आज मैं से एडिट कर रही हूँ. एंड अपलोड पता नहीं कब होगा, लेकिन यस आज एडिट कर रही हूँ मैं. एंड या नथिंग मच स्पेशल. और सो आपको यही बताना था, आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना. एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं न्यू वीडियोज़ पोस्ट करती हूँ, करती हूँ नहीं अभी करूँगी. तो मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती थी कि इस बात से मुझे ये भी याद आया, मुझे आपको कुछ और भी बताना था. तो क्योंकि मैंने अपने कुछ पहले वीडियो में कहा था, एक आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो ओके. तो मैंने वीडियो में कहा था कि मैं संडे को वीडियो पोस्ट करूँगी, बट मैं संडे को कर नहीं पाती बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा लेट उठती हूँ. संडे को मुझे पूरा फुल ऑन आलस होता है, लेजी मैं हो जाती हूँ संडे को. तो संडे को तो नहीं, बाकी दिन मैं एक्टिव रहती हूँ मंडे से सैटरडे तक, क्योंकि मेरे ऑनलाइन क्लासेस भी तो होते हैं ना एक्टिव, तो इसलिए रहना पड़ता है, जल्दी उठना पड़ता है. सो संडे को मैं पूरी लेजी हो जाती हूँ, तो संडे को मैं अपलोड नहीं कर पाती ना ही मैं शूट कर पाती हूँ एक्टिव डेज पे. तो मैंने सोचा है कि मैं ऐसा करती हूँ कि मैं वीक में एक बार वीडियो अपलोड करूँगी. मतलब आई नो ये बहुत कम है, मतलब मैं सोच रही हूँ कि मैं वीक में वीडियो अपलोड करूँगी, मतलब कितने मुझे नहीं पता वीक में, आई थिंक मैं एक भी नहीं अपलोड कर पाऊँगी. बट आई विल ट्राई टू अपलोड एक वीडियो में हर वीक अपलोड करने की कोशिश करूँगी. तो ये वीक तो छोड़ दो आप लोग, ये वीक छोड़ दो क्योंकि ये वीक आने ही वाला है ये वाला वीडियो. ओके, अगले वीक से
हर एक वीक अगले वीक से हर एक वीक मेरा एक एक नया वीडियो आएगा। अगर पॉसिबल हुआ तो दो भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बट या एक वीडियो तो ज़रूर आएगा एक वीक में, एक 7 दिनों में एक वीडियो ज़रूर आएगा इतना समझ लो। और 7 दिनों में एक वीक होता है तो 7 दिन में एक वीडियो तो आएगा ही, पॉसिबल हुआ ही तो दो भी आ सकते हैं, हु नोज। तो मुझे आपको ये बताना था, एंड यस मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है, एंड इंस्टाग्राम आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो मुझे वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं आप लोग डायरेक्टली जाकर। एंड ये इतना एक नया वीडियो जल्दी आने वाला है, उसमें मैं आप लोगों को ये भी बताने वाली हूँ कि आप लोग कैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर पहुँच सकते हैं, क्योंकि किन किन लोगों को पता ही नहीं है हाउ टू रीच इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो मैं आपको उस वीडियो में वो बताने वाला, लेकिन उस वीडियो का टाइटल वो नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कैसे पहुँचना है उस वीडियो का टाइटल कुछ और ही है, एंड वीडियो भी कुछ और ही, लेकिन अभी तक उनसे एडिटिंग है, बहुत पहले मैंने शूट कर लिया वो, लाइक फेब्रुआरी के मंथ में जो रोज़ डे नहीं होते हैं, वैलेंटाइन डे के पहले रोज़ डे, चॉकलेट डे, कौन सा डे, टेडी डे, किस डे, तो रोज़ डे के दिन मैंने वो शूट किया था। हाँ, तो मुझे अभी तक एडिट करना बाकी है, तो मैं कर लूँगी, क्योंकि मेरा जो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर ऐप है जो भी मैं यूज़ करती हूँ वो ख़राब हो गया था, डैमेज हो गया था, पता नहीं क्या हो गया था, उसमें टेक्निकल इश्यूज़ आ गए थे, और इतने दिन से मैं कोशिश कर रही थी, तो मैंने कुछ परसों या फिर देखा होगा 2-4 दिन पहले ऐप को, वो ऐप ठीक हो गया था, तो अब मैं आराम से एडिट कर सकती हूँ। लेकिन अब वो और मुझे और वही ऐप मुझे क्यों चाहिए था, क्योंकि उसी ऐप में एक VIP मतलब एक VIP फीचर है, उसे कहते हैं वीडियो एंड वीडियो ऑप्शन है, वो एक VIP फीचर है, और वो हर एक ऐप में हमें पैसे भरने के बाद ही मिलता है, लेकिन वो जो ऐप मैं यूज़ करती हूँ उस ऐप में बिल्कुल फ्री में मिल सकता है वो VIP फीचर, हम लोग फ्री में यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, टोटली फ्री। तो उसकी मुझे बहुत ज़रूरत है, उसी फीचर की ज़रूरत है, एंड मेरा ऐप नहीं काम कर रहा था, तो मेरा ऐप काम कर रहा है, लेकिन अब पता नहीं वो वीडियो क्लिप्स खाए जो कि मुझे ऐड करनी है मेरे वीडियो एंड वीडियो में। तो मैं ढूंढूंगी कि बहुत सारे फोटोज़ एंड वीडियोज़ हो गए जो भी मुझे व्हाट्सअप पे आते हैं रोज़ एंड जो भी मैं खींचती हूँ फोटोज़ खुद के, और जो भी बिहाइंड द सीन्स होते हैं ना वो मैं खींच लेती हूँ, मतलब ऐसे टेढ़े मेढ़े ऐसे हुए खींच लेती हूँ मैं, वैसे भी खींच लेती हूँ, और मैं डिलीट भी नहीं करती, तो बहुत कुछ कचरा हो गया। एंड इवन वीडियो भी बिहाइंड द सीन्स, मैं जो इंस्टाग्राम पर शॉर्ट्स बनाती हूँ वो भी बहुत सारे हो गए, मेरा स्टोरेज भी भर गया, पता नहीं ये वीडियो रहेगा कि नहीं या फिर बंद हो जाएगा, तो मेरा स्टोरेज बिल्कुल एंड पर आ गया है, कल ही मैंने थोड़ा बहुत क्लियर किया। एंड कल जो आप लोगों ने कोरोना के बारे में सुना जो मैं बता रही थी कि बीच में कट क्योंकि इसीलिए हुआ था क्योंकि मेरा स्टोरेज बढ़ गया था, और फिर मैंने थोड़ा बहुत कम कर दिया, डिलीट कर दिए ऐप्स एक दो, और थोड़ा बहुत वीडियोज़ भी डिलीट कर दिए जो कि पुराने वाले थे जो मेरे काम के नहीं थे, डिलीट कर दिए, तो थोड़ी बहुत जगह हुई 96% की मेरे स्टोरेज में, तो फिर मैंने शूट करने लिया, ठीक है। तो ये सारी लंबी कहानी है उस वीडियो के पीछे, तो वो वीडियो जल्दी आएगा, लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती कि अगले वीक ही आएगा, और फिर कभी भी आएगा प्रॉमिस नहीं कर सकती, कभी भी आ सकता है वीडियो, लेकिन हाँ वीक में एक वीडियो तो ज़रूर आएगा, एंड वीक के एक वीडियो में वो वीडियो भी ज़रूर आएगा, कौन से वीक में, कोई ना कोई वीक में तो आ ही जाएगा वो वाला वीडियो भी, क्योंकि मैं तो एक बहुत ज़्यादा लेजी पर्सन हूँ, मेरा चार्जिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, मेरा मोबाइल का चार्जिंग, और मेरा मोबाइल का चार्जिंग जैसे ही थोड़ा बहुत डाउन होता है 70% पे भी आता है, फिर 50% पे, तो मैं छट से लगा देती हूँ चार्ज करने के लिए। एंड कभी कभी ऐसा भी दिन होता है जब मेरा मोबाइल 1% पे आता है तब मैं चार्जिंग पे लगाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मेरे साथ ऐसा ही होता है कि जब मेरा मोबाइल की बैटरी थोड़ी सी भी कम हो जाए 80% या 70% या 50% या 60% कह लो तो मैं लगा देती हूँ चार्जिंग। लेकिन ऑनलाइन क्लास के बारे में कभी कभार खेलती भी मोबाइल को, तो और ऑनलाइन क्लास भी होती है कभी कंटिन्यूस, तो फिर मेरे मोबाइल की बैटरी उतर जाती है 30% तक आ जाती है, कभी लग से हमारी 70% रह जाती है जब मैं मोबाइल थोड़ा बहुत कम चलाती हूँ क्लास के पहले, तो ये मेरी मोबाइल की कहानी यही है, तो आई कॉन्ट प्रॉमिस यू कि वो कब आएगा, तो आई विल सी, लेकिन हाँ वो जल्द से जल्द आएगा और इसी महीने में आएगा, मतलब इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत है, इसी महीने में आएगा, एंड मैं कोशिश कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ मैं। अब मुझे वो वीडियो क्लिप्स ढूंढनी पड़ेंगे जो कि मुझे उस VIP फीचर में ऐड करनी है, उस VIP फीचर को यूज़ करके मुझे अपने वीडियो में ऐड करनी है वीडियो की क्लिप्स, वो मुझे पहले ढूंढनी पड़ेंगे, लेकिन पहले मैं ये वीडियो एडिट कर लेती हूँ, उसके बाद उसका देखेंगे हम लोग फिर कभी, मतलब आज या कल देखेंगे, फिर डायरेक्टली बस तो देख लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, इंस्टाग्राम आईडी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैंने बता दिया, लेकिन फिर बता दी सुनोगे मेरी बग सुन के ये ऐसे फॉरवर्ड कर दिया है 10 सेकंड या फिर 20-30 सेकंड तक, तो बता रही हूँ इंस्टाग्राम आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। एंड मैं नया वीडियो जल्दी आने वाला है जो कि मैंने रोज डे पर शूट किया था वैलेंटाइन डे के पहले जो आते हैं रोज डे पर, तो सॉरी उसके लिए वंस अगेन, एंड या बाय बाय। एंड यस मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन से टाइप के वीडियो पसंद है, यानी आप लोग बताते ही नहीं, मैं आपको हर बार कहती हूँ कि कमेंट करके बताओ कि आपको कौन से टाइप के वीडियो कंटेंट्स पसंद है, मैं कोशिश करूँगी उन्हें लाने की, तो आप लोग कमेंट ही नहीं करते तो ऐसा नहीं चलेगा, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करो और मुझे बताओ, और अगर आपने इस बार कमेंट नहीं किया ना तो फिर मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊँगी। हाँ मजाक कर रही हूँ, तो मैं यहाँ कह रही थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी और अपलोड नहीं करूँगी, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाकर रखे लेकिन अपलोड कर किया ही नहीं है मैंने वीडियो को, लाइक इस वीडियो के पहले इतने सारे वीडियोस बनाए ना मैंने, कुछ भी अपलोड नहीं किया अभी तक, ठीक है कुछ भी नहीं, लाइक सीरियसली मैं आपको दिखाने गई ना तो बहुत सारे ऐसे
तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। मतलब मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि हाँ इसे अपलोड करूँगी, इसे तो अपलोड करूँगी, लेकिन फिर पता है ना मेरी लेजीनेस मुझे कहती है क्यों कर रही है भाई, चल छोड़, और आलस दिखा अपना मोबाइल पे खेल, बस टाइम पास करती रहे और फिर वो क्लिप एक गुम जाएगी। ऐसा ही होता है मेरे साथ, दिस इज़ द ट्रूथ स्टोरी, बट ये फनी भी है, बट ये ट्रूथ है, ट्रूथ तो ट्रूथ होता है यार। तो ठीक है, आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बहुत ज़्यादा बकबक हो गई है, सॉरी फॉर इट, आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। एंड इस बार कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग कौन से टाइप के वीडियो कंटेंट देखना चाहते हैं, एक भी कमेंट आया ना तो भी ठीक है, लेकिन एक तो कमेंट आना ही चाहिए, ठीक है, तो ठीक है, बाय बाय।